देखने वाले तमाम नाजिन को मेरा सलाम मैं सलीम जॉन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब के एक इलाका में यहाँ पर छत्तीस सैंतीस और अट्ठतीस नाम से ये गाँव है जहाँ मसीही आबादी काफ़ी तादाद से रहती है और सात तकरीबन को बारह पंद्रह ऐसे गाँव भी है जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं और मैं आपको बताता जाऊँ इनके पास बुनियादी सहूलतों में से कोई एक सहूलती ना इनके पास की सड़कें हैं ना इनके पास पीने के लिए कोई बेहतरीन पानी है और ना ही कोई इलाज मालजा या डिस्पेंसरी की को कोई सहूलत मौजूद है तो दोस्तों हमारे साथ वो भाई हैं एक वक्त था जब यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल इतने बुरे हालात से गुज़र रहा था कि उनकी बोर्ड ने यही फैसला किया कि हम इसको लीज़ पर दे देते हैं लेकिन एक मसीही होने के नाते मुझे और सारी कॉम को ये मंजूर नहीं था कि उसको लीज़ पे दिया जाए और दोबारा वो बन भी नहीं सकता था बड़े मुश्किल हालात थे तो तब एक भाई आए पास्टर साजिद सराज साहब तो इन्होंने यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल को दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा किया और आज आप जाकर देख ले वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं नर्सिस भी हैं और वहाँ पर बेहतरीन काम हो रहा है इस ऐसे पसमानदा इलाकों में जो ना ऐसी हॉस्पिटल जैसी सहूलत मैसर की जाए तो इसके बारे में इनसे जानते हैं जी पास आपको नेशनल न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम आ, क्या आपने सोच कर इस इलाका में जो ना ये हॉस्पिटल बनाने की ये काफी बड़ी जगह है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपने कैसे सोचा कि ये यहाँ पर होना चाहिए सबसे पहले तो सलीम जौन साहब आपका शुक्रिया नेशनल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से लाहौर से यहाँ पर खुशाब में इस गर्म इलाके में तशरीफ लाए ताकि आप अपनी आँखों से इस चीज़ का मुशाहिदा कर सकें जो लोग सोच भी नहीं सकते जो लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा काम इस इलाके में हो सकता है उसका आगाज़ हो चुका है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर मैं कैसे आया और क्यों आया मैं 2021 में जुलाई के महीने में आ, मुझे यहाँ पर आने की दावत दी गई खूसी तौर पर आ, चौधरी तोसीफ़ गिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनके जो दामाद हैं अज़ीम वो मेरे क्लास फेलो भी हैं मेरे दोस्त भी हैं और आ, हम इकट्ठे रहे हैं तो मैं इसको जब विजिट करने के लिए आया तो तीनों जो विलेजेस हैं पैं छत्तीस सैंतीस अड़तीस के जो सरकर्दा लोग हैं उनके साथ मीटिंग हुई तो उनके साथ जब बातचीत हुई तो सबसे ज़्यादा जो मसला था उनका वो सेहत का था क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सहूलियात ना होने के बराबर की बात नहीं है है ही नहीं है क्योंकि कोई डिस्पेंसरी नहीं है कोई एम्बुलेंस नहीं है सड़कों का आपने जिक्र किया है वो नहीं है अः देंद, पगड सी हैं, और यहाँ से कायदाबाद जो है वो 25-30 किलोमीटर जो है वो दूर है और आगे को 50 किलोमीटर जो है वो हशाब है जहाँ कुछ से, जो सेहत की सहूलियात मौजूद है तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया खुदा ने हमें गाइड किया रहनुमाई दी कि हम यहाँ पर आकर इस प्रोजेक्ट का आगाज करें और सेंट लूक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर यानी इसको इस किस्म का हम अदारा बनाएं कि इस आ, एरिया के लोग सिर्फ मसीही गांव की बात नहीं है जहाँ पे 10 से बारह हज़ार लोगों की जो आबादी है वो मसीही लोगों की है लेकिन इसके इर्द गिर्द आ, जो 15 से 18 गांव है जिनकी आ, आगे 50 से साठ हज़ार आबादी है तो इसका मतलब है 70 से अस्सी हज़ार लोगों लोग जो हैं वो सेहलत की सेहत की सहूलियात से महरूम हैं जिसकी वजह से हमने ये एरिया ये इलाका जो है उसका इंतब किया तो यहाँ पर नीचे तो चले मटी है, लेकिन ऊपर रेत है तो क्या क्या दुशवारिया आपको क्या क्या मुश्किल पेश आ रही हैं? देखिए आठ मार्च को हमने सोयल टेस्टिंग की जोर इंजीनियर्स के साथ मिलके और आ, उन्होंने इस जगह को पास किया और लेबोरेटरी के जो रिजल्ट्स आए कि आप यहाँ पर जो ये जमीन है बिल्डिंग का इतना प्रेशर जो है वो कर सकती है तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है रेत जो है वो हटाई जाएगी और बिल्डिंग जो है वो उसके ऊपर बनाई जाएगी जी यहाँ पर मेरे साथ चौधरी तौसीफ गिल साहब है आपके लोगों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है और जो आपके लोग इतनी इतनी दूर जाते थे अपना इलाज मुआवजे के लिए अब उनके घर में ये चीज बन रही है आपको कैसा महसूस हो रहा है मेरे मुझे इंतहा खुशी है और बिलखसूस मुझे बेहती के कामों करने में मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है न सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है बल्कि मेरे तमाम खानदान मेरे बच्चों समेत वो चाहते हैं कि जो भी काम बेहती का वो उसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते रहें उनका जिंदगी का मिशन ही यही ये यह तरबीत दी है मैंने अपने बच्चों से कि गार्ड ब्लस आपको करेगा जब आप व्यक्ति के काम करते रहे नाजिर ने आपको बताते चले ये जो जमीन है जो हॉस्पिटल के लिए जमीन डोनेट की गई है चौधरी तोसीफ गिल साहब के दामाद ने ये जमीन जो हॉस्पिटल को डोनेट किया ये लोगों ने सब कुछ ये किया उन्होंने बार हा मुझे ये कहा अबू जी हमारा नाम नहीं लेना हमारा नाम नहीं लेना और मैं उनकी बात को फॉलो करता हुआ इसीलिए मैंने उनका नाम तक नहीं लिया वो कहते हैं कि ये पूरी कम्युनिटी का काम है और खुदा मत करेगा खुदा मत करिए बहुत अच्छा मैसेज हाँ जी बिल्कुल बाज दफा लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये फैमिली का है ये उनके खानदान का काम है लाजा ये तो उनका काम है हम क्यों करें जब ये किसी का एक बंदे का नहीं ना मेरा है ना इनका है ना किसी का भी ये कम्युनिटी के लिए है। जी अच्छा पास साहब मुझे बताएं ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो कितना टाइम लग सकता है इसको तैयार होने में देखिए जी ये अभी आपको बिल्कुल एक मैदान नजर आ रहा है और अगले हफ्ते दो हफ्ते के बाद दो महीनों के बाद आपको यहाँ पर दीवारें खड़ी होती हुई नजर आएंगी आपको कमरे बनते हुए नजर आएंगे अब आप, आप लोग विजिट करते हुए नजर आएंगे एक्चुअली ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये दस साल प्रोजेक्ट है हमारा और दस प्रोजेक्ट इसलिए है ये इतना बड़ा मनसूबा है हमारा कि हमने इसका नाम रिसर्च सेंटर सेंट लूक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है इसलिए कहा है क्योंकि जो पहले पाँच साल हैं इसमें हम 250 बेड का हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनल करेंगे पहले पाँच सालों में हम 250 बेड का हॉस्पिटल फंक्शनल करके उसमें नर्सिंग कॉलेज का इजरा करेंगे अगले तीन सालों में हम इसको एक्सटेंड करेंगे इसकी एक्सपेंशन होगी और 500 बेड का हॉस्पिटल बनाकर अगले पाँच सालों में हम मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे यानी इस इस सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा और लोगों को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में भी ज़रा बता दें आप लोगों को मेरा ख्याल है कि सेहत के, आ, के आ, एरिया में और आ, जो हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट के हवाले से भी मैं समझूंगा कि ये एक बहुत बड़ा अजाफा होगा पाकिस्तान इकोनॉमी एकौन, में और खुशी तौर पर जब इस इन इलाकों में जहाँ पर जॉब्स नहीं होती जहाँ पर मसाइल काफ़ी हैं लोग माइग्रेट करते हैं बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और जो बड़े शहरों का हजूम है बोझ है वो बढ़ता है तो हमारा मकसद एक ये भी है के यहाँ के लोग यहीं पर रहें उनको सारी सहूलियत यहाँ पर मिले उनको जॉब्स भी यहाँ पर मिलें सेहत की सहूलियात भी उनको यहाँ पर मिलें और उनके बच्चों को जॉब्स भी मिलें ट्रेनिंग्स भी मिलें नौकरियाँ भी मिलें तो इस हॉस्पिटल में मैंने ज़िक्र किया कि जब ट्रेनिंग्स का आगाज़ होगा पहले पाँच सालों में हम इसको दो सौ पचास बेड का बनाकर फंक्शनल करेंगे और नर्सिंग कॉलेज की तरफ और दूसरी पैरामेडिक्स जो ट्रेनिंग्स हैं वो उनका आगाज़ करेंगे तो इर्द गिर्द का जो भी इलाका है यहाँ पर लोग हैं वो इनसे से होंगे बिल्कुल ज़ाहिर है जब उनके घर में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन गया है, तो वो अपने घरों में ही जॉब करेंगे फिर उनको अपना शहर अपना इलाका छोड़ने अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है अपने ही इलाका में वो जॉब करेंगे पास्टर साजिद सराज साहब है उनका ये प्रोजेक्ट है और मैं समझ ले कि मेरी नज़र में ये गेम चेंजर है कि जब भी मुश्किल से मुश्किल चीज को भी इन्होंने जो ना बदल दिया है क्योंकि ये मिसाल मैं इससे देता हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल से इन्होंने उसको तब्दील किया दोबारा से वापस वर्किंग में लेके आए तो खुदावंत के फसल से आज देखे वो आ, बहुत आ, अच्छे तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है वो सारी आपकी है और यूनाइटेड क्रिश्चन हॉस्पिटल के बारे में आप कुछ कहेंगे आ, मेरा ख्याल है कि उसके बारे में मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने आ, कर दिया है अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बोर्ड है अब उनका काम है मैं समझता हूँ वो एक बंद कुआँ था जिसको हमने दोबारा खोदा और ये हम एक नया कुआँ खोद रहे हैं और जब हम ये नए कुएँ खोदने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियां जो हैं वो सैराब होंगी जिसमानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी और एक एक बात और मैं आपको ये बताऊँगी क्योंकि गहरे इलाक़ा के लोगों से जब हमने बात की उन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हमको बताई बड़ी कहानियाँ बयान की और बड़ी दिल को जो है वो छू जाने वाली और परेशान करने वाली भी कि कई माओं ने जो है वो अपने बच्चे खोए हैं और कई बच्चों ने अपनी माएँ खोई हैं और लोग जो हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने अपनी जान जो है वो दे दी क्योंकि सेहत की सहूलियत जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और हमारा इरादा है कि जैसे ही यहाँ पर कोई रूम्स जो है वो तैयार होंगे हम यहाँ पर ओ पी डी का आगाज़ कर देंगे इससे पहले कि ओ पी डी बने हम ओ पी डी का आगाज़ करेंगे और हम चिल्ड्रन कैंप्स आई कैंप्स गाइनी कैंप्स जो है वो उसका आगाज़ करेंगे मुझे मुझे उम्मीद है कि अगले चंद माह में हम ये काम इसका आगाज़ करेंगे और हम ये भी लोगों से गुजारिश करते हैं अगर कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है तो हमें फ़ौरन जो सबसे पहले किसी चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है एम्बुलेंस जब तक ये हॉस्पिटल बनता नहीं है, फंक्शनल नहीं होता तब तक हमें एक एम्बुलेंस जो है वो इक्विप्ड वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस चाहिए ताकि हम वो यहाँ पर खड़ी करें और जब भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े फ़ौर उसको जो फर्स्ट एड है या उसको सेहत की सहूलत के लिए हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में यहाँ से उसको लेकर जाएँ तो ये एक आगाज़ होगा ये अच्छे काम का तो अगर कुछ डोनेट कर सकता है कोई एम्बुलेंस इसके अलावा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप ज़रूर अपना हाथ बढ़ाएं और ये ये, ये एक सजा खाब है ये हम सब का प्रोजेक्ट है ये हम सब का जो मंसूबा है कम्युनिटी का मंसूबा है तो ये किसी एक का नहीं है क्रेडिट जो है वो सिर्फ खुदा को जाएगा ना मुझे जाएगा ना किसी और को जाएगा जो सारा क्रेडिट है वो हमारे ख़ुदा मुजस्सुक को जाएगा आ, और उसके जलाल के लिए आप अपना हिस्सा इसमें डालेंगे थैंक यू गॉड ब्लेस जी आप सब लोग जानते हैं पास साजिद सराज को उनकी अपील है कि इस इलाका के लिए फ़िलहाल एक एम्बुलेंस जो ना वो प्रोवाइड की जाए एम्बुलेंस की ज़रूरत है क्योंकि इस इलाका में दूर दराज तक ना ही कोई डिस्पेंसरी है ना ही कोई हॉस्पिटल है और अक्सर यहाँ पर सुनने में आया है कि माओ ने डिलीवरी के दौरान रस्ते में जाते जाते ही दम तोड़ दिया तो लिहाजा आप लोगों से अपील है कि पास साजिश राज से इनसे तावन करें इनसे रबता करे और अगर आप चाहते हैं कि दिल से खुदा के लिए काम करना तो फिर इनके साथ रबता करें और इनको जो भी चीज़ दरकार है वो मुहैया करें मुझे और मेरे कैमरामैन शाहिद को इजाजत दीजिएगा खुदा हाफिज़